देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और विदेशी बाबू निक जोनस की लव स्टोरी भी उनकी तरह बॉलीवुड और हॉलीवुड का बेहतरीन तड़का है। इन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम दिलचस्प नहीं है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इनका प्यार शुरू कैसे हुआ। क्वांटिको सीरियल से हॉलीवुड में मशहूर होने वाली प्रियंका ने बहुत से फैंस बनाए और उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि निक ही आते हैं। हर कोई उनकी शादी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में जानता है, मगर निक ने प्रियंका को कैसे और कहां प्रपोज किया इसकी खबर शायद कम लोगों को ही है। आइए आपको निक के प्रियंका को प्रपोज करने से पहले की इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। हॉलीवुड में वेब सीरीज का क्रेज चल रहा था और इस बीच क्वांटिको सीरीज ने तो सबको अपना दीवाना बना दिया था। वहीं प्रियंका बॉलीवुड से अपने हॉलीवुड के सफर को तय करने में खुश थी। इस दौरान निक ने उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर देखा। निक अपने आप को रोक नहीं पाए और क्वांटिको में प्रियंका के को एक्टर ग्राहम रॉजर्स को एक खास मैसेज भेजा। निक ने लिखा कि प्रियंका बहुत खूबसूरत है। फिर सितंबर 2016 में निक ने अपना पहला कदम प्रियंका के लिए उठाया। उन्होंने प्रियंका को ट्विटर पर एक मैसेज भेजा और लिखा कि हमारे कुछ कॉमन दोस्तों को लगता है कि हमें मिलना चाहिए। ये था निक का पहला मूव और प्रियंका ने इस मैसेज का जवाब एक दिन बाद दिया। पीसी लिखती है कि ये मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है, ऐसे में वे उनके फोन पर संपर्क करें। ऐसे मिला निक को प्रियंका का नंबर। फिर इन दोनों ने 2 महीने तक लगातार फ्लर्ट भरे मैसेजेस एक दूसरे को भेजा, या यूं कहें कि दोनों ने एक दूसरे को पूरा वक्त दिया। 2017 में प्रियंका और निक को डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन ने मेट गाला में इनवाइट किया था। इस दौरान उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका के जेठ ने कहा, जब पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में निक ने प्रियंका को मेट गाला अवार्ड में देखा था तो वो एकदम क्लीन बोल्ड हो गया था। पहली डेट के बाद निक और प्रियंका की दूसरी डेट पीसी के घर पर ही हुई थी। पीसी ने निक को अपने घर बुलाया और उस समय माँ मधु टीवी पर सीरियल देख रही थी। दोनों ने बहुत बातें की और प्रियंका के मुताबिक उनके बीच कोई किस नहीं हुई। अब आता है तीसरा डेट। ये तीसरी डेट काफी खास थी क्योंकि उन्होंने पीसी को प्रपोज करने का फैसला ले लिया था। निक ने पीसी को ग्रीस में प्रपोज किया था। निक ने 1 हफ्ते पहले ही प्रियंका के लिए रिंग खरीद ली थी। निक ने घुटने पर बैठकर प्रियंका से कहा, क्या मैं ये रिंग तुम्हारे हाथों में डाल सकता हूँ? क्या तुमसे शादी कर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सकता हूँ? 45 सेकंड खामोशी के बाद प्रियंका ने हाँ कह ही दिया। एक खास बात जो हर पीसी के फैंस को पता होनी चाहिए और वो है कि प्रियंका निक को ओल्ड मैन जोनस कहकर पुकारती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार वो निक के साथ लॉस एंजलिस में डेट पर गई थी। तब निक ने प्रियंका से कहा था, मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से तुम दुनिया को देखती हो, मुझे तुम्हारा नजरिया भी पसंद है। इसके बाद तो प्रियंका निक पर मानो और फिदा हो गई। इसके बाद की कहानी पूरी दुनिया जानती ही है। आपको निक के प्रियंका को प्रपोज करने से पहले की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।